अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सारा मॉम्स किचन। आज की जो रेसिपी है वो हम बनाने जा रहे हैं टिंडे चिकन विथ जो है वो गरम मसाला राइस। बहुत मज़े के राइस होते हैं इसके साथ, बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंकफुल, जजाकल्ला, शुक्रिया कि आप सब मेरी वीडियो इतना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि आप मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हर तरह की सिंपल से सिंपल, मेरा तरीका कार ये है कि मैं सिंपल से सिंपल और आसान से आसान तरीके से आपको बताऊं कि हर चीज़ कैसे तैयार होती है, ताकि जो बच्चियां हैं, न्यू बच्चियां जो आपके पास बाज़ कुकिंग क्लासेस लेना चाहती हैं, बाहर जाती हैं, लेकिन बहुत सारी मदर्स को ये कंप्लेन होती है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि हम घर के मसालों से, घर की छोटी छोटी चीज़ों से ही हम डिशें तैयार कर रहे हैं। आम जो हमारी रोज़ाना की रूटीन है, इटालियन, चाइनीज़, वो तो हम बाहर जाके भी खा लेते हैं। बेसिक बच्चियों को जो है वो घर की कुकिंग आनी चाहिए। आम जो हमारे सूबे में, हमारे पंजाब में जो हर चीज़ अवेलेबल है, हमें वो पकानी नहीं आती। तो पहले, सबसे पहले मुझे जर्मनी से मेरी भांजियों ने कहा है कि आप हमें खाला ये बताएं कि आप चम्मच कौन से इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर कुछ जो बाहर के मालिक में ये कप्स, मेजरमेंट कप्स और ये चम्मच इस्तेमाल करते हैं। ये चम्मच आपने कुकिंग में नहीं इस्तेमाल करने, ये आपके ये बेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। हम घर में जो यूज़ करते हैं वो ये चम्मच जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं चावल वाला, और ये टीस्पून इस्तेमाल करते हैं। मैं इनसे जो है मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने जो मसाले हैं उनकी रेशो नापती हूँ। ये सूखा धनिया है, इसमें ये देखें एक टीस्पून ये हो जाता है, बस ये बहुत होता है। अगर जब मैं कहूँ कि भर के लेना है तो उसका मकसद होता है कि थोड़ा सा इसको ऊंचा कर ले। तो इस लिहाज से आपने मसाले ऐड करने हैं हमारे आम चम्मचों के साथ, क्योंकि हर घर में वो चम्मच मेजरमेंट वाले नहीं होते। मेरे पास कप, हर चीज़ जो है मेरी कोशिश ये होती है जो हमारे घर में, जो हमारे किचन में मौजूद है, हम उसी से हर काम करें। तो आए अब हम जो है अपनी डिश की तरफ चलते हैं। मैंने आज जो लिए हैं ये बहुत मज़े की, अब सर्दी आ रही है, ये वाले ठंडी आ गई है हमारे पंजाब में, बहुत मज़े की, सॉफ्ट और बहुत अच्छी होती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो ये एक नेमत है। इसमें आप नमक कम डालें तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका सूप भी बनता है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। इनको हमने धो के, इनको छील के हमने काट लिया है। ये मेरे पास 1 kg है, 1 किलो। तो इसको आप अगर ना भी छीलना चाहें तो भी ये ऐसे ही हम पका सकते हैं, क्योंकि इसका छिलका बहुत नरम होता है और बहुत जल्दी से ये गल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है कि ऊपर स्प्रे होते हैं मेडिसिन के, बहुत कुछ डाला जाता है कीड़ों के लिए, तो इसलिए हमारी मजबूरी है, हमें ये छीलना पड़ते हैं। तो लिहाजा अब हमने 1 किलो जो है ये लिया है, टिंडियाँ ली हैं, इनको हमने धो के छील के काट लिए। जिस तरह मर्ज़ी काट लें, क्योंकि ये बिल्कुल मैश हो जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। और 1/2 kg जितना तकरीबन हमारा जो है वो चिकन है, 1/2 कप से थोड़ा सा कम ऑयल जाएगा, 1 मीडियम प्याज है, 1 मीडियम टमाटर है, 1 टेबलस्पून जो है वो हमारे पास लहसुन अदरक है फ्रेश, 1/2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। इसमें ये जो घिया होता है, घिया तोड़ी होती है, इसमें जो ये है कि मिर्च जो है ना वो बहुत कम डलती है, क्योंकि ये अंदर जज़ब नहीं होती, ये ऊपर ही रहती है। इसलिए जब भी आप घिया, घिया तोरी या टिंडे बनाने लगे तो उसमें सुरख मिर्च बहुत कम डालें। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो जब हम भूनते हैं तो उसमें हरी मिर्च वगैरह काट के डाल लें, तो बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमारे पास सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है, और 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया है, और 1/2 टीस्पून जो है वो हमारे पास जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ। आए अब हम जो है वो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी अब डिश स्टार्ट करते हैं, इसमें हम ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो ले, अभी तो अल्लाह का शुक्र है अक्टूबर जा रहा है, नवंबर में शायद हमारे जो एरिया में वो गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हम लोग समझते हैं कि शायद गैस के बिना गुजारा हो जाता है, लेकिन सर्दियां आती हैं तो पता लगता है कि गैस भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, जब हमें वो नहीं मिलती। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सिलेंडर जो है वो अवेलेबल होता है। तो हम इंशाल्लाह ताला आपसे जुड़े रहेंगे पूरी सर्दी, मज़े मज़े के हलवे और मज़े मज़े की डिशें ज़रूर तैयार करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। प्याज हम मीडियम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे मीडियम ब्राउन हो गए, हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करते हैं। 1 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे।
इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दी। थोड़ा सा पानी, टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर नरम होने तक हम भूनेंगे इसको। ये टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। इसमें चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये चिकन हमने अच्छी तरह से भून लिए, अब हम इसमें जो है ये टिंडियाँ ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाफ कप इसमें पानी जाएगा, क्योंकि ये बहुत नरम होती है और ये बहुत जल्द गल जाती है। हल्की मीडियम जो हीट पे उस पर हमने इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रख देना है, ये बहुत जल्द गल जाएगी। अगर आपके पास बड़ा वाला घिया है, लंबी वाली लौकी है, तो आपने जो है उसमें पानी एक कप के बराबर जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन ये बहुत नरम होती है, हाफ कप में जो है बहुत जल्दी गल जाएंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, अब ये इस कंडीशन में आ चुके हैं। हम देखते हैं हमारी टिंडियाँ, ये देखें ये गल चुकी हैं। अब इसमें सूखा धनिया और गर्म मसाला डाल के इसका बिल्कुल पानी हमने खुशक कर लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें हमने बिल्कुल इनको मैश कर दिया है। घिया है, टिंडी हैं, इनको अच्छी तरह से मैश कर दें। आपके वो बच्चे भी खाएंगे और वो वाले हस्बैंड भी खाएंगे जिनके वो ये नहीं खाते, ताकि उन्हें पता ही ना लगे कि पका क्या हो गया। आप इस तरीके से अच्छे तरीके से बनाएं तो ये मतलब बहुत अच्छी डिश है, बहुत मज़े की बनती है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालते हैं, ये मिक्स करके धनिया डाल दिया अब हमने इसको, और अभी हम चूल्हा बंद करते हैं और चावल तैयार करते हैं। अब हम चावल तैयार करते हैं, गरम मसाले वाले चावल तैयार करते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, सादे से होते हैं, लेकिन इस डिश के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये। इसमें हमने 2 कप चावल लिए हैं, ये वाले कप लिए हैं। 2 कप चावल हैं तो इसमें 2.5 कप पानी जाएगा, 2 टेबलस्पून जो इसमें ऑयल जाएगा, और गरम मसाले में ये 1/4 ज़ीरा है, 3-4 लौंग हैं, कुछ काली मिर्ची और एक दालचीनी की स्टिक है, 1 टीस्पून जो है इसमें नमक जाएगा, और 1 पिंच के बराबर जर्दा रंग जाएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो ले। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब जिस कप से हमने चावल नापे थे उसी से हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ढाई कप इसमें पानी चला गया और साथ ही नमक चला गया। अब ये बॉइलिंग कंडीशन पे आता है तो हम इसमें चावल डालते हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये अब हमारा दम की कंडीशन में चावल आ गए हैं। अब इसमें हम 1 ड्रॉप जितना जो है वो जर्दा कलर ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए, वो बहुत अच्छा लगता है। हल्की हीट पे अब हम इसको उसी तरीके से दम लगाएंगे जिस तरह हम बिरयानी को दम लगाते हैं। अब हमने इसको 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिए, और उसके बाद हम इंशाल्लाह तला तैयार करके डिश आउट करते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आया अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश हमारी तैयार हो चुकी है, ये अब बनाएं और इसको टेस्ट करें। जो लोग नहीं खाते वो भी इसको खाएंगे। आप पराठे के साथ खाएं, ये वाले राइस के साथ खाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी ये डिश। तो बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें कि सबकी रिक्वेस्ट जो है मैं सबकी बारी बारी पूरी करूँगी। हुमैरा बेटा चंदा, आपकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करूँगी। मुझे पता है आप बाहर जर्मनी में रहती हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं डिशें बनाने के लिए, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट मैं बहुत जल्द पूरी कर दूँगी। तो आप बाकी आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारे अजीज़ों को, बहुत सारे हर घर में तकरीबन
हर घर में मुश्किलात हैं, तो आप सब सबको दुआओं में याद रखिएगा। मेरे भी रिलेटिव्स को, सबको, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपने आप को सेफ रखें, जो एहतियात कर सकती हैं गर्म पानी पिएं, शहद वाला पानी पिएं, मेरी हर्बल टी जो है उसका इस्तेमाल जारी रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।